दरअसल क्या हुआ है कि एलआईसी जी ने हमें एक तोहफा दिया है जो उन्होंने बोला है कि उनके सामने पहन के आना है। तो जब हमने तोहफे को खोल के देखा तो उसके अंदर एक शर्ट नहीं थी बल्कि एक चीते प्रिंट की नाइटी थी। तो हमने उन्हें बताने की कोशिश की कि यार एलआईसी जी हम ये थोड़ी ना पहन सकते हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िद कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो पहन के नीचे आना पड़ेगा। तो हम बस पहन के नीचे जा ही रहे होते हैं, उसी वक्त हम देखते हैं सेठ जी वहाँ पर आंगन में पीछे आते हैं और फिर उसके बाद एलआईसी जी को फ़ोन जाता है कि भाई हम तो नहीं आ सकते क्योंकि ऊपर आ गए हैं हम लोग, क्योंकि सेठ जी नीचे बैठे हैं। तो बस इतने में एलआईसी कहती है ला 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 और हम लोग निकल जाते हैं। आई थिंक आगे बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है क्योंकि जो ये नाइटी है एक्चुअली करुणा जी भी पहनने वाली हैं, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि सेम नाइटी हम और करुणा दोनों शेयर करने वाले हैं सॉरी, और बहुत मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो समझ नहीं रही है ना कि सेठ जी बैठे हैं और सेठ जी के सामने हम चले जाएंगे। एक्चुअली उन्हें ये लग रहा है कि हमने उन्होंने हमें कुछ और दिया, एक वेस्ट दी है और हम नाइटी पहन के घूम रहे हैं, वो क्योंकि डब्बे मिक्स हो गए हैं ऐसा कुछ हुआ है। तो वो अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि आओ ना यार क्या बड़ी बात है, और मैं कह रहा हूँ मैं नाइटी पहन के थोड़ा ना आ सकता। तो ये जोन में चल रहा है। जी आई थिंक पता नहीं क्या हुआ है एलआईसी जी ने, तो हम वही खुद हैरान है कि क्यों पहनना चाहती हैं, क्यों पहनाना चाहती हैं ऐसे नाइटी अपने यू नो हस्बैंड को, लेकिन फिर भी पता नहीं अब क्योंकि वो ज़िद्दी हैं तो हम मान के आ गए हैं पहन के।